पूरे भारत का सपना चकनाचूर हो गया। विनेश फोगाट भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी और किस पहलवान को हराया था जो पिछले 82 बार से कभी हार नहीं रही थी, ऐसे पहलवान को जो 4 बार की विश्व चैंपियन थी उसको पराजित किया, फाइनल में पहुंची। और अब कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट है। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उस समय वजन हुआ होगा, जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा, अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है? पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती, ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए, अगर 144 करोड़ भारतवासियों का अपमान करोगे, अगर भारत की बेटी का अपमान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का। ये घोर अन्याय है विनेश फोगाट के साथ, विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।